प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों को देखिए, यहां वो खेड़ा के इमाम शाही सैयद की गुजारिश को ठुकरा रहे हैं। गोल टोपी या मुस्लिम टोपी पहनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। हालांकि उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अब इन दूसरी तस्वीरों को देखिए, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोल टोपी या मुस्लिम टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने जारी की है। सच्चाई जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हरीश रावत ने एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जारी की है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री कुछ मुस्लिम लोगों के बीच में हैं। एक मुस्लिम को वो गले लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गोल टोपी या मुस्लिम टोपी जिसे कहते हैं वो पहनी हुई है। इस तस्वीर के साथ हरीश रावत ने सवाल पूछा है कि जिस तरीके से हरीश रावत को मौलाना हरीश रावत कहा गया था, तो क्या अब बीजेपी के जो हिंदुत्व के आइकन हैं उन्हें मौलाना ना कहा जाए। इस तस्वीर के अलावा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ साथ मुलायम सिंह की तस्वीर भी हरीश रावत ने जारी की है। वास्तव में हरीश रावत जिस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उस समय उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो गोल टोपी या मुस्लिम टोपी लगाए हुए दिखाई दिए थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान उस तस्वीर को उत्तराखंड के घर घर तक पहुंचा दिया। इसी बात को लेकर हरीश रावत ने इन तस्वीरों को अब साझा किया है अपने फेसबुक पेज पर और सवाल पूछा है कि जो बीजेपी के हिंदुत्व के आइकन है, उन तमाम नेताओं ने भी गोल टोपी या मुस्लिम टोपी लगाई हुई है, तो उन्हें क्यों ना मौलाना कहा जाए। हरीश रावत इस पोस्ट के जरिए ये संदेश दे रहे हैं कि बीजेपी ने उनकी छवि हिंदुओं के विरोधी के रूप में पेश करने की कोशिश की थी। अब एक सवाल तो यहां पर खड़ा होता ही है कि क्या प्रधानमंत्री की ये तस्वीर असली है, और अगर ये तस्वीर असली है तो जो पिछली बार राजनीति हुई थी टोपी ना पहनने को लेकर, वो क्यों की गई थी, और अगर इस तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है तो आखिर हरीश रावत ने बिना परीक्षण के इस तस्वीर को वायरल क्यों किया। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।